अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज सेकेंड ईयर के चैप्टर नंबर 15 यानी कि इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग, और उसी से रिलेटेड एक टॉपिक है उसको आज कवर करेंगे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हमारे पिछले टॉपिक से रिलेटेड भी है। यकीनन हम लोगों ने वीडियो स्टोन ब्रिज पढ़ा, आज उसको अप्लाई करने का वक्त है। तो आज की ये जो वीडियो है वो स्पेशली एक इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में है जो आपको प्रैक्टिकल में फ़ायदा करेगा, थ्योरी में फ़ायदा करेगा, और वो है मीटर ब्रिज, जिसे हम स्लाइड वायर ब्रिज भी कहते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि मीटर ब्रिज एक्चुअली जो इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है ये होता किस किस्म का है। तो देखो एक्चुअली मैं आपको बताऊं, मीटर ब्रिज जो है ना काम करता है व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज का अगर आप लोगों ने लेक्चर मिस कर दिया है तो लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, बिल्कुल इससे पिछली वाली वीडियो है, वहाँ से जाके देख लो तो क्लियर हो जाएगा कि व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है और फिर ये मीटर ब्रिज समझ में आ सकता है। तो सबसे पहले देख लो, एक वुडन इस तरीके का एक बॉक्स होता है या एक टुकड़ा सा होता है लकड़ी का, रेक्टेंगुलर पीस, और इसके अंदर जो है वो यहाँ पर इस किस्म की अरेंजमेंट होती है। यहाँ पर कोई टाइट वगैरह करने के लिए स्क्रू लगा हुआ होता है, वायर वगैरह टाइट करने के लिए। इधर भी ऐसे ही होता है, इधर भी ऐसे ही, इधर भी ऐसे ही, और इस तरीके से जो येलो नज़र आ रहे हैं ये वो जगह है जहाँ पर हम कोई वायर वगैरह टाइट कर सकते हैं, और एक वायर जो है ना वो यहाँ से यहाँ तक लगा हुआ ही होता है। ये किसी ऐसे मटेरियल का होता है जिसकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो, ठीक है ना, इस वायर की रेजिस्टेंस है अच्छी खासी, मैग्नेटिन वायर हो सकता है। और फिर इस वायर की एक खास बात है, इस वायर की लंबाई होती है 100 सेंटीमीटर, या 100 सेंटीमीटर, या फिर आप उसे कह लो 1 मीटर। और 1 मीटर लंबाई होने की वजह से ही इसको हम क्या कहते हैं, मीटर ब्रिज, क्योंकि 1 मीटर ब्रिज, और ब्रिज तो व्हीटस्टोन ब्रिज से आ रहा है। ठीक है, और इसी वायर के साथ जो है ना एक 100 सेंटीमीटर वाला स्केल भी लगा होता है, क्योंकि लेंथ वगैरह हमने मेजर करनी है जब हम इसको यूज़ करेंगे। तो ऑन द होल ये है कि जो मीटर ब्रिज है ये एक इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से हम कोई भी अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं। और ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ये व्हीट स्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे काम करता है। ठीक है, तो इसी की सर्किट डायग्राम देख लेते हैं, वही सर्किट डायग्राम, बस मैंने थोड़ा सा उसको डायग्राम की फॉर्म में कर लिया। तो ये जो एक सिरा था यहाँ पर एंड था, ठीक है, यहाँ पर आप देखो यहाँ पे ये खाली जगह थी जहाँ पे हम रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे, तो इसी को मैंने कन्वर्ट कर दिया है उसकी फॉर्म में, डायग्राम की फॉर्म में। तो यहाँ पे जो ओपन एंड होता है यहाँ पर हम एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं, ये वो रेजिस्टेंस है जो कि एक्चुअली हमें मालूम करनी है, क्योंकि ये अननोन है तो फिर मैंने इसको नाम दे दिया है एक्स का। ये जो दूसरा एंड नज़र आ रहा है, ये जो दूसरा गैप नज़र आ रहा है, इसमें हमने एक रेजिस्टेंस लगा दी आर, ये वो रेजिस्टेंस है जो हमें पता है। ठीक है, एक रेजिस्टेंस अननोन थी जिसको हमने एक्स का नाम दिया, और एक रेजिस्टेंस नोन है जिसको हमने नाम दे दिया आर का। एक लगाया लेफ्ट गैप में और एक लगाया राइट गैप में। अच्छा, ये ज़रूरी भी नहीं है, लेफ्ट में आर भी लग सकता है, राइट में एक्स भी लग सकता है, नो प्रॉब्लम। फिर हमने क्या करा, फिर हमने ये जो दो सिरे नज़र आ रहे हैं इन दोनों के दरमियान में लगा दी एक बैटरी, और बैटरी का कोई ना कोई वोल्टेज है तो उसको हमने वी से शो कर दिया। ठीक है जी, उसके बाद अब ये एक टर्मिनल बचा है, यहाँ से हमने लगाया है गैल्वानोमीटर को, जो इस तार से जुड़ा हुआ नहीं है, ये जो लंबा वाला तार जा रहा है जो मैंने बताया था मैग्नेटिन वायर होता है 100 सेंटीमीटर वाला, उससे जुड़ा हुआ नहीं है, बस ये वायर इस तरीके से जाके गैल्वानोमीटर से जुड़ा हुआ है। और फिर गैल्वानोमीटर से एक वायर निकाल कर हमने जोड़ दिया, एक की होती है जो की कहलाती है, एक पेन टाइप की होती है, सिर्फ ताकि स्टूडेंट्स डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए वायर के, और अगर हमें स्लाइड कराना हो इस वायर को इस मीटर ब्रिज के वायर पे तो इजीली किया जा सके। तो आमतौर पे लैब के अंदर आप जाके देख सकते हो, ये जो है वो एक जो की बिल्कुल पेन साइज की होती है, सिर्फ बस ये कि ऊपर प्लास्टिक होता है ताकि स्टूडेंट उसको इजीली होल्ड कर सके, कोई इलेक्ट्रिक शॉक का खतरा ना रहे। और फिर जैसा कि मैंने बताया था, इसी वायर के साथ एक 100 सेंटीमीटर वाला स्केल भी लगा हुआ है। ठीक है, तो हम करते क्या हैं, देखो मैंने बताया हमें फाइंड करनी है अननोन रेजिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ मीटर ब्रिज। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम गैल्वानोमीटर के जरिए फाइंड करेंगे वो पॉइंट जो कि इस तार के ऊपर हो, कि देखो फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले मैं इस जोकी को इस पॉइंट पर टच करूंगा तो मैं देखूंगा गैल्वानोमीटर फॉर एग्जाम्पल लेफ्ट साइड पर डिफ्लेक्शन दे रहा है। फिर मैं इसे अगर इधर टच करूंगा राइट साइड पे तो मैं देखूंगा गैल्वानोमीटर इधर डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें इस वायर पर वो पॉइंट फाइंड करना है जहाँ पे गैल्वानोमीटर कोई डिफ्लेक्शन ना दे, यानी कि जो व्हीटस्टोन ब्रिज है वो क्या हो जाए, वो हो जाए बैलेंस। ठीक है, तो हम वो पॉइंट फॉर एग्जाम्पल यही वो पॉइंट है जहाँ पर डिफ्लेक्शन जीरो आ जाती है, तो फिर इस पॉइंट को हम नाम दे देंगे, ये कोई पॉइंट का नाम दे दिया इसको, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस जो हम स्केल से नाप सकते हैं वो बराबर हो जाएगा एल एक्स के। एल एक्स का मतलब हो गया वो लेंथ जो कि किस तरफ है, जो कि अननोन रेजिस्टेंस के सामने है। ठीक
ठीक है, क्योंकि अननोन रेजिस्टर मैंने लेफ्ट साइड पे रखी थी, तो लेफ्ट साइड वाली जो लेंथ आई है जहाँ पे हमने वायर रखा, तो ये जो स्केल से आप देख लोगे लंबाई, तो इस लंबाई को हम कहेंगे एल एक्स, और बाकी की जो लेंथ है उसको हम नाम देंगे एल आर का, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ बची है वो एल आर हो जाएगी। और एल आर बेसिकली इजीली मालूम की जा सकती है, हम क्या करेंगे 100 में से एल एक्स को माइनस कर देंगे, जितनी एल एक्स आई है उस 100 में से उस वैल्यू को निकाल दो तो अपने आप एल आर पता लग जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ तक का डिस्टेंस अगर आ गया बराबर 30 सेंटीमीटर लेट से, तो एल आर जो है वो कैसे आ सकता है 100 माइनस 30 यानी कि 70 के। तो बेसिकली इस पूरे एक्सपेरिमेंट के अंदर हम ये करते हैं कि हम एक पॉइंट ऑफ नो डिफ्लेक्शन फाइंड करते हैं इस मीटर ब्रिज के वायर पे, और जो लेंथ होती है एक्स के सामने वाली उसे एल एक्स का नाम देते हैं, और जो होती है नोन रेजिस्टेंस यानी कि आर के सामने उसको हम एल आर का नाम देते हैं। फिर किस तरीके से हम मालूम कर सकते हैं इस अननोन रेजिस्टेंस को, तो उसके लिए एक मैथमेटिकल डेरिवेशन देखनी पड़ेगी। देखो हमें पता है व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल क्या कहता है, आर वन डिवाइड बाई आर टू इज इक्वल टू आर थ्री डिवाइड बाई आर फोर, ठीक है ना। अब यहाँ पर भी चार रेजिस्टेंस मौजूद हैं, एक रेजिस्टेंस तो ये वाली है एक्स, ठीक है, इसी के सिरे से क्या जुड़ा हुआ है, इसी के सिरे से जुड़ा हुआ है आर। तो देखो हमने बताया था उसके अंदर क्या होता है, व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर एक रेजिस्टेंस लगी होती है, एक दूसरी रेजिस्टेंस लगी होती है, और दोनों के दरमियान से गैल्वानोमीटर लगा हुआ होता है। तो देख लो दोनों के दरमियान से गैल्वानोमीटर लगा है, और एक गैल्वानोमीटर हमने यहाँ टच किया था, तो जैसे ही हमने गैल्वानोमीटर को यहाँ पर टच करा तो समझ लो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो वायर है ये एक अलग रेजिस्टेंस के तौर पर काम करेगा, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो वायर है ये अलग रेजिस्टेंस के तौर पर काम करेगा। तो इसका मतलब चार रेजिस्टेंस हैं हमारे पास, और पॉइंट ऑफ नो डिफ्लेक्शन फाइंड कर लिया है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस हो गया है। तो हम ये वाली इक्वेशन को इस्तेमाल कर सकते हैं, आर वन डिवाइड बाई आर टू बराबर होगा आर थ्री डिवाइड बाई आर फोर के, ठीक है। अब आर वन तो हमें पता है एक्स के बराबर है, आर टू हमें पता है आर के बराबर है, ये आ गया एक्स, ये आ गया आर। अब आर थ्री एक्चुअली इस वायर की रेजिस्टेंस है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो वायर है ना इसकी रेजिस्टेंस है। अब जरा चैप्टर नंबर 13 में हमने एक फॉर्मूला डिस्कस किया था रेजिस्टेंस का, कि अगर रेजिस्टेंस हमें फाइंड करनी है किसी वायर की वजह से तो बराबर होती है आर इज इक्वल टू रॉ, और हमारे पास आता है एल यानी कि लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया, ठीक है। तो रेजिस्टेंस अगर हम फाइंड करना चाहते हैं तो हमें ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना होता है, रॉ यानी कि रेजिस्टिविटी मल्टीप्लाई बाय वायर की लेंथ डिवाइड बाय वायर का एरिया। अब ये देखो कि एक ही वायर तो यहाँ से लेके यहाँ तक लगा हुआ है, और उसी वायर में सिर्फ जो फर्क आ रहा है, अगर मैं आर थ्री लिखूंगा, आर थ्री ये वाली रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टिविटी की जगह रॉ आ गया, लेंथ कितनी है लेफ्ट वाले की लेंथ है एल एक्स, तो जहाँ पे एल हमने लिखा था वहाँ पे हमने लिखा एल एक्स, और डिवाइड बाय लिख दिया एरिया। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो वायर है उसका एरिया तो सेम है, तो एरिया को मैंने कोई नाम नहीं दिया, एरिया को मैंने ए ही लिख दिया, ठीक है। और जो अपॉन में आर फोर लिखा हुआ है, आर फोर जो है वो एल आर की वजह से होने वाली रेजिस्टेंस है, तो उसके लिए हमने क्या करा, हमने लिखा रॉ, क्योंकि रेजिस्टिविटी मटेरियल तो सेम है ना, वायर का यहाँ से लेकर यहाँ तक का मटेरियल तो सेम है, सिर्फ जो फर्क आएगा वो लंबाई का आएगा, एल एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा एल आर, और बाकी एरिया भी सेम है, सेम वायर है। तो यहाँ पे रॉ से रॉ और एरिया से एरिया हो जाएगा कैंसिल, तो हमारे पास आंसर आएगा एक्स अपॉन आर इज इक्वल टू एल एक्स डिवाइडेड बाई एल आर। और क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं अननोन रेजिस्टेंस एक्स मालूम कर लूँ, तो एक्स को मालूम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस आर की वैल्यू को इस तरफ जाके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इस तरीके से एक्स का आंसर आ जाएगा आर एल एक्स डिवाइड बाई एल आर। तो बेसिकली हमने सिर्फ पॉइंट ऑफ नो डिफ्लेक्शन फाइंड करा जिससे हमें एल एक्स मिल गया, एल आर मिल गया, और आर तो ऑलरेडी हमें पता थी, सारी वैल्यूज पुट करेंगे और उसकी मदद से हम फाइंड कर सकते हैं अननोन रेजिस्टेंस जो कि हमने यहाँ पर लेफ्ट गैप में लगाई थी। और बाकी एक्सपेरिमेंट के दौरान ये जो आर है ये एक रेजिस्टेंस नहीं होती बल्कि रेजिस्टेंस बॉक्स होता है ताकि हम एक से ज़्यादा रीडिंग्स ले सकें मुख्तलिफ रेजिस्टेंस लगाने के बाद। दैट्स इट, दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। आई होप जो भी कन्फ्यूजन्स थी वो क्लियर हो गई होंगी, और अगर नहीं हुई है तो लिखो कॉमेंट सेक्शन में, मैं इंशाल्लाह रिप्लाई करूंगा। इस लेक्चर के लिए इतना ही था, अगले लेक्चर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।